दो दो टके के बीजेपी के नेता है वो दो दो पुलिस वाले लिए घूम रहे हैं भाई। आज के समय में पूरे देश के आवाज बन चुके हैं, क्या नहीं बनता कि उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, मुझे बताइए। हमलावर गिरफ्तार हो गए हैं, सवाल ये है कि वो हमला कराया किसने, ठीक है ना। दूसरी चीज ये, यदि सरकार के बस की नहीं है, यदि सरकार के बस की नहीं है तो अपना इस्तीफा दे दे भाई। एक तरफ तो अपने लोगों से मिल करके कहीं हाथी की अहमद करा रही है, कई मुस्लिमों को मरवा रही है, कई दलितों को मरवा रही है, दूसरे जो दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बहुजन की आवाज है, उन पर उन्होंने हमला शुरू कर दिया। एक बात बताइए, दो दो टके के बीजेपी के नेता है वो दो दो पुलिस वाले लिए घूम रहे हैं भाई। आज के समय में पूरे देश के आवाज बन चुके हैं, क्या नहीं बनता कि उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, मुझे बताइए। कितनी दूर है यहाँ से सहारनपुर, जटिया से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर। यदि राजधानी में ये हाल है, यदि राजधानी के NCR में ये हालत है सुरक्षा व्यवस्था का, तो फिर आगे क्या होगा, दूसरों का, हमारा और आपका क्या होगा। अभी तो आप इसे लिए खड़े हो, पता चला कोई दूसरा ठाए ठाए करके भाग गया। तो भाई हमारा कहना ये है, संविधान ने ये अधिकार दिया हुआ है कि सरकार हर आम आदमी की। 24 में क्या होने वाला है फिर? 24 में भैया जो बेईमान है ना, जो अपने यहाँ पर राज समझ बैठे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा अच्छा बोलिए, 24 में वो खत्म हो जाएंगे। और 85% कौन आ रहा है 24 के बाद से? कौन आ रहा है 24 के बाद? कौन आएगा? जनता का जो सबसे प्यारा होगा, जनता का प्रतिनिधि, जनता के लिए काम करेगा, वो आने जा रहा है। अभी तो मोदी चल रहा है। किसने कह दिया? गुजरात बता दो, मीडिया दिखा रही है, बीके हुई मीडिया दिखा रही है, मीडिया बिकी हुई है। एक छोटे से इलेक्शन जीत नहीं पा रहे, बेईमाना EVM में बेईमाना करके आप जीत रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? किसने कह दिया कि मोदी जा रहे हैं? यूपी में तो योगी आ रहे हैं। किसने कह दिया यूपी में योगी जा रहे हैं? किसने कह दिया भैया? सारे की सारी स्कॉलरशिप खा गए, सब कुछ में घोटाला कर रहे हैं, एक सब्जी बेचने वाले तक से पर 5 किलो राशन में घुसे जनता भिखारी बना। एक मिनट, मेरी सुन लीजिए भाई साहब। जब आज से 3-4 साल पहले मैं आटा खरीदता था तो 19 रुपए और 20 रुपए किलो मिलता था, और आज वही आटा 45 रुपए किलो मिल रहा है। बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए, कान को ऐसे पकड़ना छोड़ दीजिए, घुमा घुमा करके जैसे कहा जा रहा है वैसे कान पकड़िए। किसने कहा? भिखारी बना दिया देश को। अरे हमें नहीं चाहिए 45 रुपए किलो आटा, हमें नहीं चाहिए फ्री का आटा, हमें तुम काम दीजिए ताकि हम इसलायक बन सके। हमसे ले जाओ 5 किलो आटा भाई। मोदी जी के घर वाले गुंडे भगा दिए उन्होंने यूपी से। हाँ भगा दिए गुंडे, वे तो खुद गुंडे ही कर बैठे भैया, सबसे बड़े गुंडे। बड़े आरोप लगा रहे हैं हम। क्यों? अतीक अहमद किसने मारा? अतीक अहमद को किसने मरवाया? हाँ वो तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई होगी। किसकी सुरक्षा में? किसकी सुरक्षा में चूक होगी? अरे मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि आपके बस की नहीं है सुरक्षा देनी, भैया इस्तीफा दे दो। क्या जबरदस्त क्या हुआ लखनऊ में बताओ? कोर्ट के अंदर गोली मार दी गई, वहाँ भी सुरक्षा में चूक हो गई। आप बताओ, किसी को गर्दन काट दे रहे, किसी को छुरा मार दे रहे, सुरक्षा में चूक हो रही है। यूपी का क्या करवाना चाहते हैं? सरकार तो आप ही लोगों ने चुनी थी। किसने? भैया गलती हो गई, सरकार ईवीएम से बनी, समझ गए। एक चीज, हाँ सरकार, सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, आप बैलेट पेपर चुनाव की नकल पाते हो? यदि हमने चुनी है तो बैलेट पेपर चुनाव करवाओ, आपको पता चल जाएगा। क्यों नहीं करवाते हो? क्यों डरते हो भाई? आप एक चीज बताइए, आप एक तरफ तो यूं कहते हैं इलेक्शन जल्दी हो, उसके बावजूद भी आप धीरे धीरे 1.5 महीने में 1 महीने में इलेक्शन करा रहे हैं, और बाद में उन EVM को बदल देते हैं आप, मशीनों को, उसके लिए जिम्मेदार कौन है भैया? बैलेट पेपर से कराइए, मना करेंगे हमने? तो VVPAT तो आ रहे हैं ना उसमें? VVPAT भाई जब EVM मशीन में घोटाला हो सकता है, 7 मिनट के बाद में देखिए कंप्यूटर का वो है ये, और यदि मैं से यूं रख रखूंगा ना तो कल का
ये कल तक खत्म हो लेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ का टिकट है। ये कंप्यूटर की लिखाई है, वीवीपैट में लिखा हुआ जो वो है वो खत्म हो लेता है, अपने आप है। आप ही को तो अभी दो मिनट के लिए 7 सेकंड के लिए चलता है, मगर जो वो ये पहने के लिए लेकिन सरकार तो दावा कर रही है हम लोग फिर हैट्रिक मारने वाले हैं। आपकी जो बहुजन समाज के बहुजन समाज की जो तमाम पार्टियां हैं वो तो ईवीएम का विरोध नहीं कर रही हैं। भैया किसने कहा हम इतने सारे लोग ये सारे बहुजन लोग नहीं है क्या जो कर रहे हैं ईवीएम का विरोध, लेकिन बेईमान बैठे हुए भैया। तो पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो क्यों नहीं कर रहे? कौन से पार्टी के अध्यक्ष? पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो करें ईवीएम का विरोध, सब कर रहे हैं भैया, लेकिन जो पार्टी के अध्यक्ष हैं मोदी जी ने तो 2000 का नोट में चुप्पी लगा दी थी। एक चीज बताओ, चंद्रशेखर भाई हमारे नेता है, हमारे समाज के बहुजन समाज के, एक बाबा को तुम सपोर्ट दे रहे हो, एक नेता को नहीं दे रहे हो, क्या मतलब है? और कंगना रावत दुनिया जानता है, मणिपुर में अपना मेहनत चल रहा है, दो लेडीजों को नंगा घुमाया जा रहा, दिखाया जा रहा, उसमें क्या मोदी जी ऐसे करके बैठेंगे, फोटो दिखा देंगे, बस हो गया काम। ऐसे देश नहीं चलता। उनसे तो बढ़िया कोई भी युवा बैठा दिया जाए उनके जगह पे एक साल के लिए, उनसे बढ़िया देश चला देगा। अरे रोजगार नहीं दिया उन्होंने, एक लेडीज पाकिस्तान से बिगड़ भी जाएगा हमारे देश में घुसाती है, कैसे घुसाती है बताओ आप? ये तो अरे रोजगार रोजगार आपको मिलता है तो ये हाथ में ताम तमीरा उठाए ना घूम रहे होते भाई। यदि आप लोगों को रोजगार मिलता तो ताम तमीरा उठा के ना घूम रहे होते, बेरोजगार ना होते, मैं बीटे बेरोजगार ना होता, ये बीएड एमएसएमए करके बेचारी लाइब्रेरियन ना होकर के ये रहे, ये बेरोजगार ना होते। मेरे चंद्रशेखर के आने से क्या बेरोजगारी मिट जाएगी मेरे भाई? हाँ ये आपने बहुत अच्छा, मेरे भाई जब चंद्रशेखर भाई आएंगे तो जिसकी जितनी जितने युवा वो तो बुड्ढे हो लेंगे, हिस्सेदारी कांशीराम साहब का नाम है और वो कांशीराम साहब के कांशीराम साहब के नाम पर वो काम कर रहे हैं। देखिए हमारे पास में रोजगार की कमी नहीं है, जरूरत है इम्प्लीमेंट करने की। भाई आएंगे भाई उस पीड़ा से गुजरे हैं वो क्यों नहीं देंगे? आप मुझे बताइए, 100 रोटियां हैं, 100 लोग खड़े हैं, 15 लोग तो खा रहे हैं 60 रोटियां और 85 लोग खा रहे हैं जो है कैसे भैया कैसे क्या कर रहे हो? आपने ये कहा कि चंद्रशेखर भाई आज के 100-200 साल पहले जब हमारे बाबा साहब एक अकेले घर से निकले थे सभी को और माता रामा बाई सभी को कॉलेज खोले, सभी महिलाओं के लिए कॉलेज के लिए सभी माताएं बहनों को पढ़ने का अधिकार मिला, और बाबा साहब का सपना था कुछ और लोग भेजी सही साहब क्या कहेंगे, क्या लग रहा है चंद्रशेखर की रैली से? दीदी रैली बहुत ही महान रैली है और बहुत ही इस रैली है, ये एक आक्रोश रैली है। हाँ। और ये जैसे ऐसी है, ये ऐसी समाज शुरू से ही टारगेट करता है, इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा जैसे आदिवासी के और एक मेरा समाज आदिवासी लड़कियों के आंदोलन में बैठता है और घर जाकर उन्हें बलात्कार हुआ, उसके बाद चंद्रशेखर आजादी पर हमला हुआ, इन सब देखकर ये लगता है कि देश में मनुष्यता चल रही है, पूरी तरह से मनुष्यता चल रही है, ब्रह्मांड जो है सर पे मूत रहा है, गोली चलवा रहा है और उसके बाद नारियों का अपमान कर रहा है और प्रधानमंत्री आके अपने देश में मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर स्पष्ट हो जाता है सिंघोल लगाने के बाद 28 मई को नए संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको मनुष्यता आज घोषित कर दिया है। बड़ी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल देश संविधान चल रहा है, मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। भारत का संविधान सिर्फ संविधान सभा में कहते या किसी के हाथों में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हाँ। अगर इम्प्लीमेंटेड होता तो आज कॉलेजियम के नजरिए से जज नहीं बैठे होते, यही जुडिशियल सिस्टम की वजह से मणिपुर का दंगा हो रहा है, इसी जुडिशियल सिस्टम की वजह से मणिपुर में दंगा हो रहा है। क्या सुमो चंद्रशेखर गहलोत के ऊपर जो हमला हुआ उस पर सुमोटो नहीं लिया जा सकता था? चंद्रचूड़ के उस पर सुमोटो नहीं ले सकते थे कि इतने बड़े लीडर को किस तरह से हमला कर सकते? ये बहुत सारे सवाल है जो पैदा करते हैं। दूसरा मुसलमानों को
और चंद्रशेखर आया जी को, और अगर सुरक्षा नहीं दी सरकार ने, गवर्नमेंट यूपी की हो या नेशनल हो मोदी जी की, अगर सुरक्षा नहीं दी तो फिर 2024 में जनता इनका हिसाब करेगी और सुरक्षा जनता देगी। भारत योगी को।